हम बात कर रहे हैं कोड कंसेप्ट के बारे में कि कोड कंसेप्ट हाँ क्या होता है, इसके बारे में हम आपके साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां हाँ हमने क्या किया, हम एक माइक्रो बनाया है। अब सबसे पहले कोड क्या होता है, देखिए चार मेजर कोड होते हैं। पहले होता है वर्क ओक्स, फिर आता है वर्क्स सीड्स, फिर आता है रेंज, और उसके ऊपर एप्लीकेशन। ठीक है, ओके चार मेन ऑब्जेक्ट होता है। हाँ क्या है कि जब भी इसको लैंग्वेज की तरह समझिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम कुछ लिखते हैं या कुछ करते हैं तो मेजरली क्या होता है, जो आपका नाउन या प्रोनाउन होता है वही सबसे पहले आता है। क्या सर? हाँ यस बराबर उसी तरह से एक्सेल के अंदर में, वीवीए के अंदर में ये चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर किसी एप्लीकेशन में हाँ कुछ छेड़छाड़ करना है तो आपका एप्लीकेशन होता है, किसी वर्कबुक के ऊपर कुछ करना है तो वर्कबुक ऐसे आएगा, शीट के ऊपर करना है शीट से आएगा, और रेंज के ऊपर हाँ करना है तो रेंज का आएगा। ओके, तो अरेंज एल्गोरिथम ओके एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वर्क हाँ होता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम कोडिंग करेंगे एल्गोरिथम के थ्रू। चलिए एक एल्गोरिथम तैयार करते हैं, हम ओके बोलते हैं स्टार्ट, हाँ उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं एड न्यू वर्क, हाँ फिर यहां पे सेव एज 123 डॉट एक्सएलएस इन डी ड्राइव। ठीक है, ओके एड हाँ न्यू शीट रीनेम एज ए डेटा सिलेक्ट A1 एंटर नेम, सिलेक्ट B1 एंटर रॉ, सिलेक्ट C1 एंटर मार्क्स, कहाँ हो गया मार्क्स, सिलेक्ट ओके A1 टू A10, A10 नहीं आप C10, C10 ओके एंटर, सॉरी अप्लाई अप्लाई बॉर्डर। ठीक है, देन हाँ सेलेक्ट A11 एंटर टोटल, सेलेक्ट सेलेक्ट C11 अप्लाई सब। ओके, और ये ओके हाँ जो एक एक फॉलो करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट मतलब कि एक माइक्रो डिक्लेयर करते हैं, सब PR डैश ले 41 ब्रैकेट ओपन क्लोज, एड हाँ न्यू बुक, एड न्यू बुक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे वर बुक्स डॉट एड, फिर आता है ऐड सेव एज 123 इन डी। अब वो जो टू और थ्री फाइल ऐड इंडी हुई है वही एक्टिव है। ठीक है, यहाँ हाँ लिखेंगे हाँ एक्टिव वर्क बुक डॉट बुक्स सेव एज सेव इन डी ड्राइव 123 ओके डॉट एक्सएलएस एक्स। एक्स एक्स ओके ठीक है ना, अब आता है हाँ ऐड न्यू शीट्स, शीट ऐड करना है तो शीट कोड ले चलेगा, शीट पे वर्क करेंगे, यहाँ लिखेंगे हाँ शीट्स डॉट ऐड, एक नई शीट ऐड करो। एक सेकंड रुकिए, ठीक है, फिर सीट को रिनेम करना है यहां पे, तो हाँ यहां लिखेंगे बराबर अरे जो सीट ऐड हुआ है वही एक्टिव है, जैसे जो फाइल ऐड होता है वही एक्टिव होता है, जो सीट ऐड होती है वही एक्टिव होती है, तो एक्टिव हाँ सीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा, हाँ सिलेक्ट A1, मतलब कि मुझे A1 पे कर्सर रखना है, क्या लिखेंगे रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, और जिस पे कर्सर रखे इसी पे टाइप करना है, जो जिस पे कर्सर रखते वही हमारा एक्टिव होता है, यहां लिखेंगे हाँ एक्टिव सेल डॉट
वैल्यू इक्वल टू नेम, नेम, ठीक। और इसी को हम यहां पे ओके, रिपीट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट। तो यहां पे बी बी वन, वन हाँ और नेम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रॉल। वो रोल रोल, ओके और यहां हो जाएगा सी वन और यहां हो जाएगा सी वन सी मार्क्स, मार्क्स। और फिर यहां पेस्ट करते हैं और यहां पे क्या बोल रहा है, ए डॉक्टर, वन से ए टेन सेलेक्ट करना है। ए वन से ए टेन के हाँ लिए जैसे हम नॉर्मली डेटा में सेलेक्ट करते हैं ऐसे यहाँ पे ए टेन हो जाएगा। हाँ और यहाँ पे ओके बोला है बॉर्डर, अप्लाई बॉर्डर्स, ठीक है। तो अब क्या है, हाँ एक सेल सेलेक्ट होता है उसको एक्टिव सेल कहते हैं, बट एक एरिया सेलेक्ट हाँ करें ना 11 तक, हाँ 10 तक, हाँ उसके लिए उसको हम करते हैं सिलेक्शन। क्या कहते हैं, सेलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, डॉट डॉट ओके बॉर्डर्स बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल, डॉट लाइन, स्टाइल इक्वल टू वन, लाइन स्टाइल, ओके ठीक वन, है। ओके अब यहां पे कहता हाँ है ए वन पे टोटल एंटर करना है, तो क्या कोड लिखेंगे, हाँ ये ऊपर से लेके आते हैं। अरेंज यहां पे अरेंज ये हो जाएगा ए टेन इलेवन सॉरी ए टेन ए इलेवन टोटल, यहां पे कर देंगे टोटल, ठीक है। हाँ फिर यहां पे ए इलेवन की जगह पे सी इलेवन एंड टोटल की जगह क्या हो इलेवन जाएगा, सम 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 इक्वल सम सब, ब्रैकेट ओपन ए सॉरी सी टू, सी टू से सी टेन, ओके समझ गए। यहाँ पे फॉर्मूला देने का है क्या सम पे? हाँ अप्लाई सम लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो फॉर्मूला ही होगा ना हाँ सम। ओके, हाँ फॉर्मूला, इसको एक बार ओके रन हाँ करते हैं। यहाँ डिबग एरर है, कहाँ पर आ रहा है, पाथ में। पर ठीक है, परफेक्ट है। हाँ ये देखिए वन टू परफेक्ट, थ्री डेटा शीट पे आ गया। अब अप्लाई सम जो है हमने गड़बड़ कर दिया, हमने लग रहा है कि यहाँ पे ए टेन हो कि सी टेन होना चाहिए था ना, सेटिंग, ठीक है। तो आपने देखा किस हाँ तरह से हम एल्गोरिथम को फॉलो किए, राइट। ओके यस अगर मन से लिखते तो हो सकता था कोई लाइन इधर उधर हो जाता, क्योंकि ये तो चलो अब 10-15 लाइन की कोड है, लेकिन जब हम ज्यादा हाँ लिखेंगे, बड़ा कोड लिखेंगे, 10-20 लाइन का कोड लिखेंगे या 100-200 लाइन का कोड हाँ लिखेंगे, कोई चीज मिस्टेक होने का डर। बट एल्गोरिथम हमें हाँ क्या बराबर करता है, एकदम सही तरीके से कोड लिखने में मदद करता है, ठीक है। करता है,